नमस्कार आफ्टरनून खबर को स्वागत करुछी मुलिकी नजर पकेबा आजर किछि प्रमुख खबर उपरे चलित पंचायत निर्वाचन आज चतुर्थ पर्याय मतदान सरी अपराह्नु भोट गणति आरंभ हो कांभा स्थान में विशृंखला परिस्थिति उपुजी मोटामोटी शांति श्रृंखला सरी मतदान किछि स्थान में भोट बातिल किछि स्थान में लोके भोट बर्जन कर चलित पंचायत निर्वाचन आज चतुर्थ पर्याय मतदान शेष होई अपराह्नु भोट गणति चली कांभा स्थान में विशृंखला परिस्थिति उपुजी मोटामोटी शांति श्रृंखला सरी मतदान किछि स्थान में भोट बातिल किछि स्थान में लोके भोट बर्जन कर सकाळ 7टा मतदान आरंभ होता पर्याय 28 जिलार 62 ब्लक्र 162 जिला परिषद जोन मतदान 1324 जन सरपंच और समिति सभ्य एवं 18876 जन वार्ड मेंबर प्रतिद्वंदिता करिसेंति। आज मोट 5,61,974 भोटर से मत सब्यस्त करिसेंति। कड़ा सुरक्षा व्यवस्था मध्य सरी चतुर्थ पर्याय मतदान। ब्यूरो रिपोर्ट मेट्रो टीवी। ब्रह्मपुर पुलिस को एक बड़ सफलता एक अंतराज्य बाइक लुटेरा को ठाब कर ब्रह्मपुर पुलिस 31 मोटरसाइकिल जबत करने दुई जन को गिरफ्त कर ब्रह्मपुर पुलिस को एक बड़ सफलता एक अंतराज्य बाइक लुटेरा को ठाब कर ब्रह्मपुर पुलिस 31 मोटरसाइकिल जबत करने दुई जन को गिरफ्त कर जबत होता अधिकांश बाइक आंध्रर बोली आशंका कर शनिवार बाइक चोरी उपरे तदंत चली बेले यार पर्दाफाश होता गत जानुरी ब्रह्मपुर बड़ मेडिकल परिसर चोरी होता बाइक उपरे तदंत पाई मोहना ज्योतिनगर तपन कुमार बिशोई को जेरा करा तपन ठार् मिलता तथ्य अनुसार एक पुलिस टीम गठन कर विभिन्न स्थान में चढ़ऊ कर 31 बाइक उद्धार कर ब्रह्मपुर एसडीपीओ शांतुन दास सूचना देते एथस चोरी ग्यांग्र अजे सदस्य अड़बा थाना अंतर्गत चंदीगुड़ा ग्रामर रुबेन नायक को गिरफ्त कर ग्यांग्रे पांचज सदस्य थिबा पुलिस अनुमान कर आज लुटेरा तपन और रुबेन को कोर्ट चलाण करने आहरी अधिक तदंत चली पुलिस कही ब्रह्मपुर अर्जुन पंडा रिपोर्ट मेट्रो टीवी। शेषे तमिलनाडु राजनीति में आसीथिबा झड़र अंत घटिथिबा अनुमान व्यापक होहल्ला भितर आस्था भोट जीति तमिलनाडु नुआ मुख्यमंत्री भाव शपथ नेले ई पालानीस्वामी राजभवन में राज्यपाल सी विद्यासागर राव तांकु पद और गोपनीयतार शपथपाठ कराई तमिलनाडु मुख्यमंत्री भाव शपथ नेले शशिकला अनुगत ई पालानीस्वामी आज राजभवन में राज्यपाल सी विद्यासागर राव तांकु पद और गोपनीयतार शपथपाठ कराई पलानीस्वामी सह 31 जन एआईडीएमके विधायक शपथ नहीं 15 दिन भितर 117 विधायकों समर्थन हासिल करने को पड़े तमिलनाडु विधानसभा 234 जन विधायक अच्छा तेब यह गत काली तमिलनाडु विधानसभा तामसा देखा मिलता बाचस्पति माइक और चेयर भांगी विरोधी विधायक फल पलानीस्वामी आस्था भोट्रे विभ्राट देखाला एपरिक बाचस्पति भोट विभाजन निष्पत्ति को विरोध करी गृह प्रबल पाटितुंड डीएमके सदस्य भोट विभाजन परिवर्ते गुप्त मतदान दाबी करते विरोधी तेरे शेष आस्था भोट जीति निज शक्ति प्रदर्शन करलानीस्वामी। ब्यूरो रिपोर्ट मेट्रो टीवी। आफ्टरनून में समय हो ब्रेक ब्रेक पर देखा आउ किछि खबर जगतरनाथ जगन्नाथ को दर्शन करने पूर्व बड़दाण्ड में पसरा मेल नृसिंह स्वीट्स ताजा खजार मजा नियंतु खजा भितर बेस्ट सबुठ भारी टेस्ट यही नृसिंह स्वीट्स धूमिठा खजा देखा जमी ताजा खावाक लगे सेमती मजा एठाकू आसतु आउ टेस्टर बेस्ट थिबा खजा को खाई जगन्नाथ को मन भरी दर्शन करंतु। ब्रेक परे स्वागत। कलाहांडी जिला कोकोसरा सीमांत आमपाणी घाटी रे शनिवार एक लुहा बोझे ट्रक भारसाम्य हराई ओलटी पड़ी फल गाड़ी में थिबा 6 जनकर मृत्यु घटी बेले अन्य 4 जन गुरुतर आहत होती अवस्था गुरुतर थिबारु आहत मानकु भवानीपाटणा मुख्य चिकित्सालय को स्थानांतरित कर कलाहांडी जिला कोकोसरा सीमांत आमपाणी घाटी रे शनिवार एक लुहा बुझे ट्रक भारसाम्य हराई ओलटी पड़ी
ଫଳରେ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ଆମପାଣି ଓ ମୈଦଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ଲୋକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କୋକସରା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ପରେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଭବାନୀପାଟଣା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। କୋକସରା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଶବଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଆମପାଣି ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆର୍ ବିଜୟ କୁମାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଦିଲେଶ୍ୱର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ଓଏସ୍ଆଇସିର ଏମ୍ଡି ତଥା ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗତକାଲି ତାଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବାରୁ କଟକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ଓଏସ୍ଆଇସିର ଏମ୍ଡି ତଥା ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗତକାଲି ତାଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବାରୁ କଟକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପାର୍ଥ ସାରଥୀଙ୍କୁ 5 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତିର କ୍ଷୀୟ ଖୋଜୁଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଲାଗିଛି ପାର୍ଥ ସାରଥୀଙ୍କ ସୌଖୀନ ଆଲିସିଆନ ବଙ୍ଗଳା ଓ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ। ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆକଳନ କରିଛି। କଟକ, ପୁରୀ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କର 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର 3ଟି ଆଲିସନ ଘର ରହିଛି। ସେହିପରି ସେ ଅନେକ ଥର ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି। ପାର୍ଥ ସାରଥୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ କିଛି ମାସ ହେବ ସେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନଜରରେ ଥିଲେ। ବୁଧବାର ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରୁ 2,14,000 ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସରକାରୀ ଘର, କଟକ ଅଫିସ୍ ଓ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା। ଗୁରୁବାର ପାର୍ଥ ସାରଥୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.metrotvbureau.com। ନମସ୍କାର।